हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज देखिए कितना प्यारा सा ये शॉल का डिजाइन लेकर आई हूँ। बेबी ब्लैंकेट बनाइए इस डिजाइन से, जैसे कार्डिगन बनाइए, बेबी स्वेटर बनाइए, लेडीज स्वेटर बनाइए, लेडीज कार्डिगन बनाइए, कुछ भी बनाइए, बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन है। देखिए ये क्रोशिया से आज डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं इसी डिजाइन को आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए कि कैसे बना हुआ है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस डिजाइन को बताना। देखिए ये तीन तीन करके ये बना हुआ है, ऐसे तीन तीन ऐसे करके बना हुआ है। तो इसमें चेन जब हम लेंगे तो तीन 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 चेन का काउंट करके लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे इसको। ये देखिए अब यहां से एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसमें मैं 18 चेन ले ली। अब 18 चेन लेने के बाद देखिए क्या करेंगे हम। अब एक दो तीन तीन चेन लेकर चौथे चेन में एक दो तीन चार, चौथे चेन में हम फिर इसको इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से सारे चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से बना के पूरा रो कंप्लीट करेंगे। देखिए इसको इस तरह से बना लिए। अब हम क्या करेंगे आगे इसको देखिए। अब दूसरे तरफ हम घुमा लेंगे। घुमाने के बाद देखिए एक दो तीन तीन चेन लेकर अब एक दो तीन, तीसरे में हम फिर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया हो गया। फिर देखिए एक दो तीन, तीसरे में फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन, फिर देखिए एक दो तीन, तीसरे में फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन, एक दो तीन, इसी तरह से बना के हम यहां तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये यहां से यहां तक कंप्लीट हो गया। अब ये लास्ट में हम क्या करेंगे, फिर यहां पर एक दो तीन, तीसरे में हम इस तरह से बना लेंगे। अब फिर हम दूसरे तरफ घुमाएंगे। घुमाने के बाद देखिए एक दो तीन, तीन चेन लेकर अब एक दो दो छोड़ के तीसरा में इसमें हम इस तरह से बनाएंगे। एक दो तीन, तीन बार में निकालेंगे धागा को। देखिए एक दो तीन, फिर हम तीन बार में निकालेंगे। एक दो तीन, अब फिर एक दो दो छोड़ के तीसरा में यहां पर फिर हम इसी तरह बनाएंगे। एक दो तीन, एक दो तीन, तीन बार में निकालेंगे और तीन
लूप बनाएंगे इसको इस तरह से, ये देखिए, तीन बार में बनाएंगे, तीन बार में निकालेंगे और तीन बनाएंगे, ये एक दो तीन। फिर हम इसी तरह से इसमें बनाएंगे, एक दो तीन, बन गया। अब इसी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे, ये देखिए, ये यहां से यहां तक ये कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब ये लास्ट में है यहां पर देखिए, इसको इसमें हम नहीं बनाएंगे। अब यहां पर हम फिर एक दो तीन इस तरह से बनाएंगे, फिर अब दूसरे तरफ घुमा लेंगे। घुमाने के बाद देखिए क्या करेंगे, एक चेन लेकर अब हम इसको बनाएंगे, इसमें ये जो दिख रहा है इसमें बनाना है। तो एक सॉरी एक नहीं, यहां पर हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इसमें बनाएंगे, अब इसमें डबल क्रोशिया ही निकालना है, तो इसमें हम दो डबल क्रोशिया निकाल लिए। अब देखिए, अब फिर हम यहां पर बनाएंगे, अब इसमें बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे, इसी तरह से हर एक चेन में हम डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे इसको। इस तरह से तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये किस तरह से दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से ये दिख रहा है, ये दो भाग बन गया इसका, एक दो। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर सीधे की तरफ घुमा लेंगे। घुमाने के बाद एक चेन लेकर अब देखिए इसको, इस तरह से हम बनाएंगे दोनों को लेकर। अब फिर हम जोड़ देंगे इस तरह से, दोनों को लेकर इस तरह से जोड़ देंगे, सिंगल क्रोशिया निकालते हुए इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया निकाल के पूरा रो यहां तक कंप्लीट करेंगे, यहां तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए यहां तक ये बन के कंप्लीट हो गया ये। अब इसको अब यहां से फिर हम सेम इसी तरह से आगे डिजाइन बनाएंगे, सेम डिजाइन बनाना है। ये डिजाइन बन के कंप्लीट हो गया, अब उसके लिए फिर सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे। तो थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ कैसे बनाएंगे इसको। देखिए एक दो तीन, तीन चेन लेकर अब हम क्या करेंगे, एक दो तीन, तीसरे में फिर डबल क्रोशिया निकालेंगे तीन बार, सेम रिपीट करना है इस तरह से। इसी तरह से बनाएंगे फिर, तो ये देखिए बन के कंप्लीट हो गया।
कितना प्यारा लग रहा है बनके, इस तरह से दिखेगा ये देखिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। फिर मिलती हूँ मैं कुछ नई डिजाइन लेकर आप सभी के साथ।